यू रिमूव ये कवर को पूरा फाड़ के रिमूव करो. इस तरह से देन यू कट द एक नाइफ लेके इसको कट करो. ठीक है. एंड अब ये जो कवर बचा है ना इसके ऊपर, इसको पानी से, एक गीले पानी से लेके इसको क्लीन करो टिल द पॉइंट जब तक हमें वो एडहेसिव का लेयर नहीं मिलता. तब आप, आपको जब एडहेसिव दिखने लगेगा तब आपको दिखेगा कि हमें एडहेसिव हमारा कितना क्लीन लगा है, या ऊंचे नीचे है, रफनेस है, क्या है. आइडियली जो हमें यहाँ सरफेस में दिख रहा है वैसा ही सेम क्लीन एडहेसिव का लेयर हमें उसके स्पाइन पे भी मिलना चाहिए. वो चेक करने के लिए, उसका लेयर कितना है चेक करने के लिए, जब यहाँ से प्रोफाइल मालूम पड़ता है एंड व्हेन यू कट इट, इसमें कितने नॉचेस है, नॉचेस की फ्रीक्वेंसी क्या है एंड नॉचिंग का डेप्थ कितना है, विद द हेल्प ऑफ ये स्केल यूज़ करके मैं मेजर कर सकता हूँ. और ग्लू का लेयर कितना है, ग्लू का लेयर इवन है क्या टॉप से लेके बॉटम तक, अलग अलग सेक्शंस में इवन है क्या. एंड फाइनली इसका स्ट्रेंथ देखने के लिए, एक बुक का स्ट्रेंथ मेजर करने का मेट्रिक है, इसको पेज पुल टेस्ट बोलते हैं. एक मशीन होता है लैब में जहाँ पे बुक को होल्ड करता है वो मशीन, और उसका एक पेज पूरे फोर्स से खींचता है और मेजर करता है ये पेज को पुल करके अलग करने के लिए कितना फोर्स का इस्तेमाल हुआ, डायल दिखाएगा. ओके, इन न्यूटन्स पर मीटर. तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं. तो वेरियस स्टैंडर्ड्स, हम बेसिक जो बेंचमार्क जो मान के चलते हैं 5 का है. एक कोई भी बुक हमने बाइंड किया है तो मिनिमम 5 न्यूटन्स का स्ट्रेंथ हमें उसे मिलना चाहिए. कैन गो अप टू 10, 12, 15 विद बेस्ड ऑन वॉट एडेसिव यू हैव, क्या बाइंडिंग है, कौन सा मटेरियल है, क्या पेपर है, सारे कॉम्बिनेशन के साथ. फाइनली ये हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं बट जस्ट टू रिपीट इट, हॉट मेल्ट एडेसिव हम जो यूज़ करते हैं बुक बाइंडिंग में, ये बाकी हर एडेसिव से इस तरह से अलग है कि ये सिर्फ सरफेस पे ही बॉन्ड कर सकता है. हमने जो वाटर बेस्ड एडेसिव डिस्कस किया जहाँ पे पानी है, हम पानी वाला एडेसिव पेपर पे अप्लाई करते तो क्या होता है, वो पेपर के अंदर जाता है और बाइंड करता है. ये चीज़ हॉटमेल्ट में नहीं हो सकता. ठीक है, उसका मतलब हॉटमेल्ट जो भी उसका एक्शन करेगा प्योर उसके सरफेस सतह पे ही करेगा, सरफेस पे ही करेगा, सरफेस से ज़रा भी एक अंदर नहीं जा सकता. अपना सरफेस जितना अच्छा है उतना उसका बॉन्डिंग अच्छा होगा. इसलिए सरफेस प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर निकालें और डस्ट को हटाएं. तो फाइबर एक्सपोज करना है, डस्ट को रिमूव करना है एंड ऐसा ही बुक पे एडहेसिव अप्लाई करना है. एंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एडेसिव में कि एडेसिव्स के अलग अलग केमिस्ट्री होते हैं. हर सप्लायर एक अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करके एडेसिव सप्लाई कर रहा है एंड उसके एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है कि अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक एडेसिव को 160 डिग्रीज पे अप्लाई करो, तो आप मशीन पे नॉब होता है जिसको हम सेट कर दें 160 डिग्रीज, राइट. फर्स्ट उसको राइट सेटिंग पे चला. हमारे ऑपरेटर्स में आदत होता है कि मशीन को 200 पे रखते हैं जल्दी चालू हो जाएगा. ऐसे होता नहीं है, मतलब मशीन को गर्म होने जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, उसका जो कर्व है वो उस हिसाब से ही गर्म होगा. बट इट्स जस्ट अ थिंग इन योर हेड कि जल्दी गर्म करने के लिए 200 पे रख दो, 300 पे रख दो, जितना फुल है ना फुल कर दो, वो नहीं होता है. सो जो टेम्परेचर रिकमेंड किया है 120 बोला है 120 पे रखो. मोर इम्पॉर्टेंटली उसको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. कोई भी हीटिंग एलिमेंट, कोई भी हीटर्स है ना, ये वेयर एंड टेयर पार्ट्स होते हैं. हीटर्स चल चल के, जैसे कोई बल्ब होता है ना, बल्ब और हीटर में काफ़ी समानता है. जैसे एक बल्ब का लाइफ है वैसे एक हीटर का भी लाइफ है. जैसे एक बल्ब की रोशनी धीरे धीरे कम होते जाती है, सेम चीज़ हीटर के साथ भी होता है. हीटर की भी जो पावर है, वाटेज है, जितना उसका हीट आउटपुट है वो ओवर टाइम कम होते जाता है. इसका मतलब मुझे जब मैंने 160 रखा है तो मुझे चेक करना चाहिए कि एक्चुअली टैंक में 160 मिल रहा है क्या. ठीक है, अगर एडेसिव उसके सही टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो अगेन इट्स अ फेलियर. जो हमें सही एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, सही बॉन्डिंग नहीं मिलेगा. नेक्स्ट. यप, आई थिंक आप यहाँ तक मैंने उसका टेक्निकल सब कवर किया है. मोर टू डू विद द मशीन एंड मशीन सेटिंग्स. अगर अपने कोई स्पेसिफिक सवाल है यहाँ पर मशीन से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए. या मैंने जो अभी तक एक्सप्लेन किया है इज इट क्लियर, और एनीथिंग रिपीट करना है, दोहराना है, कुछ भी हो पूछ सकते हैं. यस प्लीज, माइक मिलेगा क्या?
ये रहे थे, ठीक है। हेलो, या मेरा नाम प्रशांत है। यस, जो स्पाइन में कभी लाइंस आ जाता है जब बुक फिनिश होने के बाद, जब हम लोग कट करते हैं उसमें स्पाइन में कभी लाइंस आते हैं, रिंकल्स, यस, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है? मैं कुछ डिस्कशन में आएगा, बट अभी तक जहाँ तक हमने कवर किया है जो बाइंडिंग मशीन से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो रिंकल्स आने का कारण जो है वो अपना रिवर्स स्पिनर का सेटिंग है। रिवर्स स्पिनर का सेटिंग, अगर अपना ग्लू का प्रोफाइल स्पाइन पे सही नहीं है, वो जो भी इफेक्ट उसका एडेसिव से जो भी आया है वो सारा आपके बुक के कवर पे दिखेगा, व्हेन यू ओपन इट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कवर का ग्रेन डायरेक्शन, जो भी उसमें कवर का ग्रेन अगर सही नहीं है तो इट बेसिकली क्रैक्स, एक लाइन दिखता है हमें, वाइट लाइन जो इंक को भी खोल के आ जाता है, मतलब पेपर का फाइबर दिखने लगता है हमें वो उस जगह पे, वो उससे रिलेटेड है। तिकड़ेपन होता ना ऋषि, तिकड़े कौन तरी होता है सर? आपने जो अभी क्लैंप के बारे में बताया, हाँ, वो क्लैंप का सेटिंग कैसे करते हैं? क्लैंप का सेटिंग, हाँ, अभी पर्टिकुलर बुक तो उसके साइज के हिसाब से सेट करना होगा, तो सॉरी, हाँ, तो वो समझा नहीं कि आप कैसे सेट करते हो क्लैंप। क्लैंप में हमें जहाँ तक बुक का सेटिंग का सवाल है, क्लैंप का एक लेंथ होता है कि एक मैक्सिमम, जब हम बुक बाइंडिंग पे आते हैं ना, हम बुक के तीन चीज़ें हैं, बुक का थिकनेस कितना है, राइट, बुक का लेंथ कितना है, और ये दो चीज़ पे हम क्लैंप को सेट करते हैं। नाउ बुक का थिकनेस के लिए क्लैंप में एक नॉब होता है जिसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई सेंट्रलाइज सेटिंग होते हैं जो सारे नॉब को सेट करता हो, सारे क्लैंप्स अपने आप सेट हो जाए, वहाँ पे बुक का थिकनेस हमें फीड करना होता है, ठीक है, या तो स्केल के अगेंस्ट हमें सेट करना होता है, कोई एक मेजरमेंट होगा। इवन फॉर एग्जाम्पल द मशीन दैट हमने जो देखा है उसमें एक नॉब है जिसके अगेंस्ट एक हमें एक पोजिशन इंडिकेटर दिया हुआ है जिसपे रीडिंग आएगा 50, 60, 40, तो अगर हमारा बुक 30 सेंटीमीटर का थिकनेस है तो उस नॉब को 30 सेंटीमीटर तक लाके रखिए, फिर वो कितना प्रेशर में लाना है वो सेट कर लेगा, ठीक है, इट्स स्प्रिंग लोडेड प्रेशर। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया बेसिकली ये मोर और कि अब जो बुक टू बुक जो हम चलाते हैं वो बुक सही आए कि नहीं, एज पार्ट ऑफ मेक रेडी हमें सिर्फ स्पाइन का थिकनेस सेट करना होता है और कोई चीज़ सेट नहीं करना होता, सिर्फ क्लैंप के ऊपर। बट क्लैंप हमारा सही ऑपरेट कर रहा है कि नहीं इसे चेक करने के लिए, इसे चेकिंग थिंग, नॉट अ मेक रेडी प्रोसीजर, मतलब जहाँ पे हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि मेरा क्लैंप जो है उसमें जब मैं बुक डाल रहा हूँ वो सही उसको राइट एंगल पे पकड़ के लेके जा रहा है कि नहीं। ये रोज़मर्रा नहीं करना है, एक जॉब सेट करते वक्त नहीं करना, जॉब सेट करते वक्त मुझे सिर्फ क्लैंप का थिकनेस सेट करना है और कुछ नहीं सेट करना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आगे मूव करो, एनी क्वेश्चन? यस, मेरा नाम राजेंद्र म्हात्रे है। yeah. सर, कवर को क्रैचेस आता है क्रीजिंग की पहला, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कभी कोई सॉलिड पार्टा रहते थे वो फ्रिक्शन से है, आपका मशीन का जो फीडर पे बेड पे है, जब हम मशीन में देखेंगे यूजुअली जो पार्ट कवर के कांटेक्ट में आ रहा है ना, वो सरफेसेस को हम कितना कम से कम फ्रिक्शन आए वैसे बनाते हैं। यूजुअली वो स्पेशल प्रोफाइल के शीट्स, स्टेनलेस स्टील शीट, बबल शीट्स बोलते हैं, ताकि वो एक सिर्फ पॉइंट पॉइंट पे कांटेक्ट में आते हैं। ओवर टाइम या तो कोई मशीन का मॉडल पे डिपेंडेंट है या जो भी पेपर का ट्रैवल, ये सारे स्क्रैच रिलेटेड चीज़, ये फोल्डिंग मशीन का ऊपर प्रॉब्लम है तो फॉर्म पे भी स्क्रैच आता है, यही पाटा हम अगर कभी कभी सॉलिड पैचेस फॉर्म पे चलाते हैं फॉर्म पे स्क्रैचेस आते हैं, ये प्योरली मशीन के जो ट्रैवल का पाथ है ना जहाँ से कवर चल रहा है वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन से हो रहा है और कुछ नहीं, उसको रिमूव करने के लिए वो मशीन के पूरा ट्रैवल पाथ स्टडी करना पड़े, उसका पार्ट्स का मेंटेनेंस देखना पड़े। थैंक यू।
स्टूडेंट्स कला का एक क्वेश्चन आया था, आया है। माझं नाव संदीप जाधव आहे। हा संदीप बोल। ह्या मशीनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सेन्सर असेल ना? नाही, सेन्सर क्लॅम्प जेव्हा आपण करतोय, बुक जेव्हा आपण क्लॅम्पमध्ये हो अटॅच करतो, ती नॉचिंगला येते, पण ज्या वेळेस आपल्याला फीडिंग आपला फीडर जेव्हा कवर सोडत असतो त्यावेळेस सेन्सर असतो। हो, ह्यामध्ये बेसिकली आपण जो सेन्सर असतो तर नो बुक नो कवर असं मेकॅनिझम असतं। बुकचं फीडिंग आणि कवरचं तिथून रिलीज ह्याच्यामध्ये टायमिंग असतं, आणि जर इथे मी बुक नाही फीड केला तिथून कवर नाही रिलीज होत, मग बुक क्लॅम्पमध्ये फीड केल्या केल्या एक सेन्सर सेन्स करतो की क्लॅम्पमध्ये बुक आहे, आणि तेव्हाच कवर फीडिंग ॲक्टिवेट होतं। थँक यू सर। या ट्रिमिंग ट्रिमिंग इज रिलेटेड टू द एडेसिव केमिस्ट्री। जे जो भी हम एडेसिव यूज़ करते हैं, एडेसिव उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ओपन टाइम और सेट टाइम। कोई भी एडेसिव मैन्युफैक्चर जो एडेसिव बनाता है ना, तब इस चीज़ों को कैलकुलेट करता है फॉर्मुलेशन के दौरान। ओपन टाइम का मतलब होता है मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एडेसिव अप्लाई करूँ और जब तक उसको कवर अटैच हो तब तक एडेसिव सूखना नहीं चाहिए, तो वो टाइम लंबा होना चाहिए, उसको ओपन टाइम कहते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही कवर लगे मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सूखे, उसको हम सेट टाइम कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट होती है। जब प्रोसेसेस ऑफलाइन होते हैं तब तो हम बेसिकली बुक बाइंडिंग करके स्टैक करके ट्रिम कर रहे हैं, बट ऑन इनलाइन बाइंडर जब आपका ट्रिमिंग इनलाइन है तब हमारा कन्वेयर का लेंथ उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हॉटमेल्ट एडेसिव रेगुलर हॉटमेल्ट एडेसिव यूज़ कर रहे हैं, उसका नॉर्मली सेट टाइम होगा 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स, बट लेट्स से एक बाइंड्री को मैंने डिसाइड किया अभी PUR के पे माइग्रेट करना है, जस्ट बिकॉज अभी हम PUR बाइंडिंग करना है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई विल हैव टू चेक इज इसका कन्वेयर का लेंथ कितना है, बिकॉज PUR विल हैव ए लॉन्गर सेट टाइम। PUR का सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा तो मुझे 90 सेकेंड का ट्रैवल चाहिए बिफोर मैं बुक को कट करूँ, तो वो कन्वेयर को मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन है तो मुझे मैं बुक को स्टैक करके रख सकता हूँ। अभी हम लोग जब कटिंग टाइम एज्यूम करते हैं ना, हम लोग यूजुअली ये एज्यूम करते हैं कि मैं सिंगल नाइफ पे काटना चाहता हूँ। सिंगल नाइफ पे अगर काटना है तो एडवाइस यही है कि आप 4-5 घंटा तो वेट करो, बिकॉज सिंगल नाइफ पे हम लोग जब कोई बुक को काटना वाले हैं तब हमारा क्लैम्प सीधा जाके स्पाइन को दबाने वाला है। बुक को ट्रिम करने का राइट प्रोसेस इज कॉल्ड ए 3-knife trimming, वेर यू आर यूजिंग ए मशीन जहाँ पे उसका 4-edge और 2 साइड 3 ब्लेड से एट ए टाइम कटने वाला है। इस मशीन में होता क्या है कि बुक को उसके फेस पे होल्ड करते हैं। ये हमारा बुक है, अगर मैं ये कटिंग मशीन में फीड किया है तो बुक को यहाँ पे होल्ड करता है फेस पे, एंड उसके तीनों साइड कट होते हैं, कहीं पे भी स्पाइन को टच नहीं करता। वेर एज यही बुक अगर जब मैं कटिंग मशीन में काटता हूँ ना, तो मुझे एक 1 साइकिल ये काटा, जब मैं साइड्स काटने के लिए जाऊँगा मेरा क्लैम्प इसको यहाँ होल्ड करेगा, विच मीन्स इट विल ट्राई टू प्रेस द स्पाइन, यहाँ पे ज़्यादा टाइम एडवाइस करता है। इफ़ इट इज़ 3-knife trim रेगुलर हॉट मेल्ट आई कैन गो विद इन 40 सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम। फॉर एडेसिव लाइक PUR 90 सेकेंड्स तक का सेट टाइम चाहिए। इज इट Yeah, any other questions? अभी जो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली व्हाट मैं बात करना चाहता हूँ, अभी तक हमने मशीन में, इफ मेरे पास एक बुक ब्लॉग आया कवर आया, मशीन में मैं क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे अच्छा बुक बने, वो सब हमने देखा। लेकिन बुक्स बनने की शुरुआत, मेकिंग ऑफ अ बुक का शुरू बहुत पहले से हो जाता है, जब हम बुक प्लान कर रहे हैं, कॉन्सीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा बुक बनाएंगे, ऐसे करेंगे, इतना पेजेस होगा, ये साइज़ होगा, वहाँ पे काफ़ी ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जिसके वजह से शायद एक्चुअल बाइंडिंग के वक्त दिक्कत आ सकता है, या कुछ फेलियर्स बुक में इस वजह से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका
मूल जो है ना जिसका रूट कॉज शुरू प्लानिंग के लेवल पे ही हो गया है, अगर उसको सुधारना है तो वहाँ सुधारना चाहिए. एंड इट इज़ मोर टेकन लाइक ए ट्रबल शूटिंग थिंग, सो वी कैन गो थ्रू दैट. बुक बाइंडिंग में प्लानिंग लेवल पे जो कंसिडरेशंस आते हैं, एक तो ग्रेन डायरेक्शन का चॉइस, जो अगेन जब हम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, कवर सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर होता है. देन यू हैव योर इम्पोजिशन लेआउट, कवर कैसे बनाएंगे, कवर का लेआउट क्या होगा, वो सारा चीज़ें, मटेरियल का सिलेक्शन. एंड बुक बाइंडिंग के अलावा जो प्रोसेसेस हम करते हैं, जैसे हमने कहा कि फोल्डिंग करने वाले हैं, गैदरिंग करने वाले, इन प्रोसेसेस में जो भी चूक हुई है या जो भी खामी रह गई, वो सारा हमें बुक में दिखेगा. अगर हमें बुक में वो सुधार लाना है तो हमें पीछे जाकर कभी कभी वो स्टेज पर वो चीज़ें करेक्ट करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट. काफ़ी बार हम देखते हैं बुक बाइंड किया, बुक का बाइंडिंग वगैरह सब अच्छा है, लेकिन बाइंडिंग किया, ट्रिमिंग किया, वो खोल के देखा तो ऐसे होता है. ऐसे बुक्स आपने बहुत बार यूज़ किए होंगे, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? ऐसे बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुलते नहीं. इसे हम हमारे भाषा में माउस ट्रैप ऐसे कहते हैं, मतलब चूहे का पिंजरे जैसे बंद हो जाता है. ये क्यों होता है? नेक्स्ट. काफ़ी बार हम देखते हैं कि बुक सॉलिड पैच वगैरह प्रिंट किया है, हम कवर को दो बार खोले तो एक बड़ा सा वाइट लाइन दिखता है कवर पे, जो हमने जहाँ पे हमने क्रीज किया है साइड लू वाला. और इस ये रीज़न से बहुत बार लोग क्रीज करना अवॉइड करते हैं, क्रीज करता हो तो क्रैक हो जाता है. नेक्स्ट. बेसिकली जो भी हम इसका ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं, हम ये कहते हैं कि यार इसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि आपका जो बुक का पेजेस का ग्रेन डायरेक्शन जो है गलत है. तो जब हम गलत है बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? तो जब हम जब भी हम ग्रेन डायरेक्शन का बात करते हैं तो पेपर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम पेपर के हिसाब से ग्रेन कैसा है और फाइनल बुक में कैसा, फाइनल बुक में कैसा होना चाहिए. अगर मेरे ये पेजेस है तो बुक का कवर और बुक के अंदर के पन्ने का ग्रेन डायरेक्शन जो मेरा स्पाइन है जहाँ पे एडहेसिव अप्लाई होना, उससे पैरेलल होना चाहिए. ये क्यों होना चाहिए? कोई आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ग्रेन डायरेक्शन के बारे में क्या होता है, जस्ट डिस्कस करने के लिए? एनीवन? मेरे पास एक यूजुअल प्रॉप है जो मैं लोगों को दिखाता हूँ ग्रेन डायरेक्शन कैसे बिहेव करता है. ग्रेन डायरेक्शन पेपर में है क्या? ग्रेन डायरेक्शन, ग्रेन माने फाइबर, पेपर फाइबर से बना हुआ चीज़ है, राइट? एंड फाइबर जब हम मशीन्स के द्वारा नो कंपोज करके पेपर बनाते हैं तो उस फाइबर एक कोई तो डायरेक्शन में रन होता है जो मशीन का डायरेक्शन होता है, ठीक है? मशीन जो डायरेक्शन में चल रही थी, सारे फाइबर उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और उस डायरेक्शन को हम लोग ग्रेन डायरेक्शन कहते हैं. तो जैसे अभी ये मैट है ना, ये मैट में अगर ये सारे स्ट्रॉस हम देखेंगे, अगर इसको हम ग्रेन माने तो ये ग्रेन डायरेक्शन है और ये सारे फाइबर्स ने अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है, राइट? तो इससे इसका बिहेवियर क्या हो जाता है? अगर मैंने कहा कि ग्रेन डायरेक्शन मुझे स्पाइन से पैरेलल चाहिए, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा, ओपन करूँगा, फ्लेक्स करूँगा, इसको हम लोग पेज फ्लेक्स बोलते हैं. पेज पुल के समान एक मेट्रिक होता है बुक बाइंडिंग में, पेज फ्लेक्स, कितना फ्लेक्सेस कर सकते हैं. एक बुक का होता है 2 लाख फ्लेक्सेस, 15,000 फ्लेक्सेस, बेस्ड ऑन जो भी हम बुक का इंड्यूस है. यही चीज़ मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा? ये ऐसे नहीं मुड़ता है ना, अगेंस्ट द ग्रेन फोल्ड करना मुश्किल है, राइट? तो उसके वजह से हमारा बुक माउस ट्रैप होता है. अगर मैं ये फोर्स करूँगा तो क्या होगा? ये क्रैक हो जाएगा, वो हमने जो अपने कवर में देखा. सो बेसिकली जो टू अचीव दिस बुक का प्रॉपर खुलना, क्लोज होना, कवर का क्रैक ना होना, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुक के में ग्रेन सही होना चाहिए. एंड आजकल जो भी हम पेपर परचेज करते हैं, जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस में इंक्लूडेड होता है कि क्या ग्रेन है इसका. इसको हम लोग यूजुअली लॉन्ग ग्रेन, शॉर्ट ग्रेन ऐसे बोलते हैं. जस्ट सिंपल मतलब है उसका, जब कोई कह रहा है कि मेरा जो मैं शीट आपको दे रहा हूँ लॉन्ग ग्रेन है, इसका मतलब उसके लॉन्गर डायरेक्शन में ग्रेन रन हो रहा है.
अगर और अगर कोई कह रहा है शॉर्ट ग्रेन है, इसका मतलब एसजी लिखा है, एसजी पेपर है, तो उसका मतलब शॉर्ट डायरेक्शन में जो छोटी साइड है उस डायरेक्शन में ग्रेन रन हो रहा है। तो अगर कोई पूछे ये एसजी है क्या एलजी है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन एसजी शीट, शॉर्ट ग्रेन शीट है ये, ओके। और जब हम रील में प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे ये तो फ़र्क नहीं होते, रील में ऑलवेज मशीन डायरेक्शन इज योर ग्रेन डायरेक्शन, तो जो रील का रनिंग डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ही ग्रेन रन होता है। नेक्स्ट सम अदर प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्वेंट अटैक ऐसे बोलते हैं। बेसिकली हम जो हॉट मेल्ट एडेसिव यूज़ करते हैं ये प्लास्टिक बेस्ड एडेसिव होता है, अनलेस इट इज अ न्यू जनरेशन एडेसिव लाइक PUR। PUR एडेसिव में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, इसलिए हम आजकल सारे लोगों का ट्रेंड है कि PUR की तरफ मूव करें, ताकि हम कितना भी सॉलिड प्रिंट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉट मेल्ट एडेसिव के साथ एक ये है कि आपके इंक्स के सॉल्वेंट्स और हॉट मेल्ट एडेसिव कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्ट करेंगे और अपना एडेसिव फेल हो जाएगा। ये फेलियर ऐसा है कि ये तुरंत नहीं मालूम पड़ता, आपने बुक बाइंड किया, कट किया, ट्रिम किया, आपने टेस्ट किया, आपको रिजल्ट सब अच्छा मिलेगा, लेकिन धीरे 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 ये रिएक्शन होता है और कुछ महीनों बाद ये खुल जाएगा। इस बुक में क्या हुआ, इन्होंने स्पाइन कवर पे कोई प्रिंटिंग नहीं किया था, बट ये सिलाई किया हुआ बुक था और सारे फॉर्मों में H2H प्रिंटिंग है, और वो इंक एडेसिव के कॉन्टैक्ट में आके ये बुक फेल हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना था, तो ये एरिया में प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यूजुअली अगेन इट इज रेफरेंस टू कवर्स, कवर्स में हम लोग काफ़ी बार इस तरह के कवर्स देखते हैं, कॉल इज कलर ब्रेक्स, आपका फेस ग्रीन है, बैक ग्रीन है एंड स्पाइन में एक वाइट स्ट्रिप है, ऐसे कवर आ गए तो कैसे डील करना है। नेक्स्ट 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 जैसे अनदर एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कवर है, इट्स इज ए 2 mm बुक, उसके स्पाइन पे प्रिंटिंग है। हम लोग हम भी देखा कि हम लोग कवर और बुक को मैच करने की कोशिश करते हैं, राइट, इन द राइट रजिस्टर, कवर का रजिस्ट्रेशन लाने के लिए, बट कवर का प्लानिंग करता कौन है, कवर में स्पाइन कितना होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? डिज़ाइनर डिसाइड, डिज़ाइनर क्या आधार पे वो डिसाइड करेगा? सैम्पल्स बनता है पेपर GSM पे, ठीक है, आइदर पेपर GSM पे कैलकुलेट करके बनाएगा और जैसे बोला सैम्पल्स बनाएंगे, क्या बेहतर है सैम्पल्स बनाना या GSM पे जाना? सैम्पल्स डमी, हम लोग इसको हमारे ट्रेड में डमी बनाना बोलते हैं। एंड अगेन हमने सबसे पहले आज की स्लाइड देखी ना कि हम एक बुक कितने तरीके से बना सकते हैं, एक ही बुक बनाने के लिए कितने अलग अलग प्रोसेसेस है मेरे पास, मैं सीधा जाके बाइंड कर सकता हूँ, प्रिंट करके लूज लीफ बाइंड कर सकता हूँ, मैं फोल्ड करके गैदर करके बाइंड कर सकता हूँ, मैं फोल्ड गैदर सिलाई करके बाइंड कर सकता हूँ। अगर लेट्स से 3 लूज लीफ बाइंड करना, फोल्ड करके गैदर करके बाइंड करना, फोल्ड करके गैदर करके सिलाई करके बाइंड करना, तीनों में मेरा स्पाइन का थिकनेस सेम आएगा क्या? विच मीन्स डमी बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है इज दैट हमें वो सेम प्रोसेस यूज़ करना है जो फाइनल बुक बनाने के लिए यूज़ होगा, तो ही हमें करेक्ट स्पाइन थिकनेस आएगा, ओके। इफ़ ये दो कवर जो हमने देखे ना, लास्ट 2 कवर्स कॉल ए डिफिकल्ट कवर्स, बहुत डिफिकल्ट डिज़ाइन दिया है डिज़ाइनर ने एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसे केसेस में डमी बनाना एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है, तो ही मुझे एक्यूरेटली मालूम पड़ेगा कि स्पाइन क्या, अदरवाइज मैं जैसे इन्होंने कहा ना GSM पे कैलकुलेट करके भी चल जाएगा अगर कवर इतना सिंपल है तो। कवर का डिज़ाइन कैसा है हमें देख के डिसाइड करना चाहिए, नहीं इसके लिए कवर का डमी बनना ज़रूरी है। अगर कवर का स्पाइन गलत दिया है तो उसको बाइंडिंग मशीन पे सुधार सकते हैं क्या? सो दैट इज़ वेयर जिम्मेदारी है बाइंडिंग मशीन चलाने वाले का या पोस्ट डिपार्टमेंट का कि कम्युनिकेट करे सही से कि कवर का थिकनेस क्या होना चाहिए, कैसे आना चाहिए, इसका डमी बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट तो एक कवर का प्लानिंग करते कैसे है, एक जब हम कोई कवर प्लान कर रहे हैं तो क्या चीज़ें होता है इसमें देखने के लिए, फर्स्ट थिंग स्पाइन एरिया जो ये बीच का स्ट्रिप है ना और उसके बाजू के 6 mm के स्ट्रिप, इसमें कोई भी प्रिंट वार्निश लैकर कोई भी कोटिंग नहीं होना चाहिए,
सीधा कवर मिलना चाहिए जिसके साथ एडेसिव कॉन्टैक्ट में आए. एडेसिव और कवर के बीच में अगर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो यू कैनॉट गारंटी कि ये कवर बाइंड होगा. नंबर टू, हम चाहते हैं कि कवर जो अपना बुक का अनकट साइज है, लेट्स से अपना बुक का अनकट, अपने A4 साइज का बुक बनाया है, 297 फाइनल लेंथ है, लेट्स से अनकट साइज 303 है mm में, विच मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा कवर उससे भी बड़ा हो, 3-3 mm ऊपर. तो मेरा कवर का लेंथ कितना होना चाहिए? 309. सो इफ आई एम वॉन्ट टू मेक ए बुक ऑफ 297 mm इन लेंथ, मेरा कवर का लेंथ उससे 6-6 mm ऊपर नीचे एक्स्ट्रा होना चाहिए. ये एक्स्ट्रा लेंथ आपको वो सब इंश्योरेंस देगा कि बिटवीन आप जब बाइंडिंग कर रहे हैं, एडेसिव अप्लाई कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज जो स्क्वीज आउट, नहीं तो बहुत बार देखते हैं बुक्स बनते हैं, कवर बनते हैं, उसके ऊपर कुछ धब्बे लगे हुए हैं एडेसिव के स्मजेस लगे, जिसको साफ करके हम लोग फिर फाइनली फिनिश करते हैं. अगर प्लानिंग लेवल में इतना छोटा सा कंसिडरेशन करेगा, कवर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेड पे एंड टेल पे मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो वी कैन अवॉइड ऑल दैट. नेक्स्ट, ये ऐसे हम देखते हैं बहुत बार बुक में स्प्रेड्स होते हैं जो मैच नहीं होते बीच में आके. ये क्यों होता है? एनी गेसेस, एनी आइडियाज? स्पाइन का ग्लू एक्स्ट्रा, ठीक है, बट उसको मैं बाइंडिंग मशीन पे सुधार सकता हूँ ना. ये तो मैंने पूरा फ्लैट ओपन कर दिया, फिर भी ऐसा दिख रहा है बुक. हाँ, प्लानिंग ऑफ वॉट इज दैट थिंग? ग्रिपिंग, क्रीपिंग, क्रीप. क्रीप टर्म सही है, बट इट इज रिलेटेड टू वायर स्टिचिंग. यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं गटर मार्जिन या ग्राइंड ऑफ मार्जिन. हमने देखा ना अभी ये बुक में, नेक्स्ट स्लाइड में जाओ. हम लोग क्या करते हैं ऑन द परफेक्ट बाइंडिंग, नेक्स्ट परफेक्ट बाइंडिंग मशीन पे हम लोग ये करते हैं, राइट? द फर्स्ट थिंग, जब भी मेरे को बुक ब्लॉक मिलता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये कितना मैं काट रहा हूँ ये किसको मालूम है? जो बाइंडिंग मशीन चला रहा है ही नोज ना, उसने क्या सेटिंग किया है, मेरा मिलिंग गटर कितना है, कितना मैं कट करने वाला हूँ बुक के. तो ये इनपुट भी प्लानर को चाहिए ना, वो दो बेज के बीच में उतना गैप देने के लिए, राइट? अगर वो गैप नहीं दिया है एंड उस बुक को फोल्ड करके हमने मिलिंग कर दिया, तो आपका वो थोड़ा पोर्शन जो एक्चुअली प्रिंटेड चीज़ें हैं वो भी कट जाएगा. एंड जब भी ऐसे कुछ सेंटर स्प्रेड्स होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा दिखता है. ऐसे नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें दिखता कब है? जब वहाँ प्रिंट होता है. हमने काफ़ी बुक्स देखे होंगे ना, मतलब हम लोग ये मोस्टली ये नॉवेल्स में होता है, पल्प फिक्शन नॉवेल्स में हम पढ़ने के लिए ऐसा अंदर घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, राइट? एकदम टेक्स्ट पूरा अंदर गटर तक घुस गया होता है. क्या हुआ है? मे बी उन्होंने कम मार्जिन रखा, 1 cm मार्जिन रखने का सोचा था इनसाइड में. यू नो 1 cm में से भी 3 mm गुल हो गया, कट हो गया, फाइनली आपको 0.6-0.7 का ही मार्जिन बचा है, विच इज़ डिफिकल्ट टू रीड. ये कहाँ चला गया? ग्राइंड ऑफ में. प्लानिंग लेवल पे हमें वो, अगर मेरा मार्जिन 1 है 1 cm 1 cm, एंड अगर मुझे मालूम है कि मेरा मिलिंग डेप्थ 3 mm का है, तो मुझे 1+3+3+1 इतना रखना, सॉरी 1+0.3+0.3+1 मतलब 1.2-2.6 cm का रखना पड़ेगा. अगर 2 रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा? 1.4 ही मिलेगा, राइट? इट क्लियर? सो अगेन इट्स ए प्लानिंग लेवल पे जब हम इम्पोजिशन कर रहे होते हैं शीट्स का, तभी ये सब अलाउंसेस प्रोवाइड होना चाहिए. नेक्स्ट, सो दिस इज द स्टेज. ये स्टेज होता है ना, कोई भी जब बुक डिज़ाइन होता है, हम एक स्टेज पे यहाँ पे आते हैं जिसको हम लोग इम्पोजिशन बोलते हैं, एंड जिसको जहाँ पे हम लोग पेजेस लेआउट करने वाले हैं, पेजेस अरेंज करने वाले हैं फॉर्म पे. मे बी 28-40 का शीट था, 23-36 का शीट था, जो भी हम शीट यूज़ करने वाले हैं या रील यूज़ करने वाले हैं, उसमें जो पेजेस को रीअरेंज करने वाले हैं ना, वहाँ पे दो बैक पेज के बीच में इतना मार्जिन, वो उसका पोजिशनिंग वैसा होना चाहिए. एंड नंबर टू, अगेन यहाँ उसको मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि निगलेक्ट करते हैं, इस पर बहुत सारे मार्क्स है, राइट? इस पर
पहले तो ग्रिपर एज, साइड ले, क्रॉप मार्क, फोल्ड मार्क, ट्रिम, ये सब मार्क्स किसके लिए होते हैं? ठीक है, ये बेसिकली प्रिंटर का कम्युनिकेशन है एक बाइंडर के साथ. ठीक है, कि हर शीट में हम लोग कोई मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, इफ़ आई एम प्रिंटिंग, अगर मैं एक 16 पेज छाप रहा हूँ A4 साइज 28x40 के ऊपर, राइट, मतलब आगे 8 पेज आएंगे पीछे 8 पेज आएंगे, बराबर, राइट. नाउ मैंने ऑफसेट मशीन पे प्रिंट करने को लगाया, राइट, तो मैंने अभी फीड किया. हम लोग ऑफसेट मशीन में दो गेज होते हैं, राइट, ग्रिपर और साइड. ठीक है, मैंने फीड किया, फ्रंट साइड प्रिंट किया, अभी बैक साइड मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ इस शीट को, कैसे, ऐसे, अगर वर्क एंड टर्न इम्पोजिशन है तो ऐसे, राइट. एंड नाउ मेरा ग्रिपर एज कहाँ पे है, चेंज नहीं हुआ, राइट, ये है मेरा ले, मेरा ले साइड कहाँ पे होगा, ये होगा, ये वाला, राइट. तो मुझे मशीन में, ऑफसेट मशीन में कितने ले होते हैं, दो होते हैं ना, दो क्यों होते हैं, ये चीज़ के लिए ना, मैं जब ये टर्न कर रहा हूँ इधर, तो मुझे अभी कौन सा ले यूज़ करना है, सेम साइड मिलना चाहिए, सेम साइड मिलेगा तो फ्रंट बैक का रजिस्टर मिलेगा, राइट. अगर ये साइड यूज़ करूँगा वो फ्रंट बैक का रजिस्टर आउट है, फ्रॉम द पॉइंट प्रिंट हुआ तब से आउट चल रहा है, फिर फोल्डिंग मशीन पे और आउट होगा, फिर गैदर करके बाइंड करके जब हम लोग बुक्स देखेंगे, हम लोग बुक्स देखते हैं ना ऐसे, हम लोग जब फ्लिप करते हैं और एक पेज नंबर है समझो यहाँ पे, हर एक पेज पे फिक्स पोजीशन पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रन होता रहता है, हम लोग उसको डांसिंग पेजेस बोलते हैं. वो क्यों आया, जब शुरू में इम्पोज किया, वर्क एंड टर्न किया, शायद ये तो मेंशन नहीं किया, तो प्रिंटर को मालूम ही नहीं है कि ले साइड कौन सा है. पहले तो मेन है कि प्लानर ने मार्क करना चाहिए ये ले यूज़ करना है, ये ग्रिपर एज है यहाँ, क्योंकि इस साइड मैंने थोड़ा ग्रिपर मार्जिन दिया, वो साइड नहीं दिया है, वगैरह वगैरह. उसके बाद जब मैं मशीन में बैक साइड प्रिंट करने के लिए इसको टर्न करने वाला हूँ, तो मुझे ले अभी यहाँ से यहाँ है, तो मुझे मशीन में अभी ये ले ऑन करना है, ये ले ऑफ करना है. ठीक है, अभी ये शीट ऐसे होता है ना प्रिंटिंग, ऐसे जाके ऐसे खींच के फिर अंदर जाता है, पुल टाइप ले होता है, ऐसे खींच के अलाइन करता है, एंड देन इट गोज़ इन टू द मशीन, राइट. सो वो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसमें वो आपका एक 1 mm रजिस्टर हिल गया, वो सारा फाइनल बुक में आपको दिखेगा जब आप पेजेस देखेंगे तो. 1 mm मिस रजिस्टर इज़ बिग. अब किसी को चलता है किसी को नहीं चलता है, तो इट्स फाइनली कि हमारे ऊपर है कि हमें कितना अच्छा बुक बनाना है. तो लेकिन बुक्स क्या ना, एक पोस्टर इतना अच्छा नहीं बना चलेगा, उसका लाइफ उतना नहीं, लेकिन बुक बींग उसका जो फाइनल पर्पज़ जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे रिलेटिव लगता है ना. कंपेयर टू जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, बुक्स इस तरह का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो जिससे यूज़र बहुत देर तक यूज़ करता है. तो यहाँ पे सारे मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज ये मार्क्स फिर ये जो हमने वर्क एंड टर्न करके प्रिंट किया, ले, ग्रिपर, राइट, फिर जब मैंने ये टर्न किया तो ये ग्रिपर, ये ले, ये शीट मैं फोल्डिंग मशीन पर ले जाता हूँ. ठीक है, ये मेरा ले है, ये मेरा ग्रिपर है. अब ये मैं कैसे फीड करूँगा फोल्डिंग मशीन में, अब मुझे 16 पेज है ना, मुझे 16 पेज फोल्डिंग करना है इसको, तो क्या करेंगे, ये फोल्डिंग मशीन देखा होगा, यूजुअली शीट ऐसे फीड होता है, राइट. तभी भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा ले और ग्रिपर चेंज नहीं होना चाहिए. अगर मैंने ये ले यूज़ किया था तो मेरा ये ले फोल्डिंग मशीन में एंटर करेगा और बकल स्टॉप से अलाइन करेगा उसके, और ये मेरा साइड ले से फोल्डिंग मशीन में, ये साइड ले लॉन्गर साइड हो जाता है. बट आई एम स्टिल नॉट चेंजिंग द रेफरेंस. रेफरेंस मैंने प्रिंटिंग में जो यूज़ किया था, फोल्डिंग में भी वही यूज़ करेंगे, तभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सारे पेजेस का रजिस्टर सही है. अदरवाइज सारे पेजेस में वो डिविएशन आता रहेगा. बहुत बार हम लोग फोल्डिंग मशीन को सुधारते रहते हैं, उसमें कुछ तो क्रॉस सेट करते रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम प्रिंटिंग में हो चुका होता है. नेक्स्ट, अगेन सिंपल थिंग, इसको क्या कहते हैं, कोलेटिंग मार्क्स, बैक स्टेप मार्क्स बोलते हैं. विजुअली समझ में आता है कि
हमारा सीक्वेंस गैदरिंग का सही है क्या नहीं, या कुछ एक सिग्नेचर उसमें मिसिंग है क्या. ये चीज़ कहाँ पे प्लेस करते हैं हम, अगेन प्लानिंग लेवल पे, जब प्लेट बन रही होती है, इम्पोजिशन हो रहा होता है, उस वक्त ये चीज़ हम पोजिशन करते हैं उस पर, राइट. नेक्स्ट, अनदर प्रॉब्लम, एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम जो हम बुक्स में देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी. हम एक किताब बना रहे तो मटेरियल सिलेक्शन भी इतना इम्पॉर्टेंट है. हम लोग बेसिकली तीन मेजर चॉइसेस कर रहे हैं, अंदर के पेजेस कौन से होंगे, कवर क्या होगा, एडेसिव कौन सा होगा, राइट. ये तीनों चीज़ें किस तरह के हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, मतलब ये दोनों का मेल होता है नहीं होता है ये भी डिसाइड करता है कि बुक बाइंडिंग क्वालिटी कैसे होगी. तो मटेरियल सिलेक्ट जो कर रहा है ना उसके पास भी काफ़ी ये होते हैं. फर्स्ट थिंग मेनी टाइम्स वी सी कि कोई कोई कवर्स होते हैं ना, कवर्स आर यूजुअली थिकर, राइट. कवर अंदर के पेजेस से मोटे होते हैं, कवर हमें 300 ग्राम 250 ग्राम इस तरह के होते हैं. जब कोई भी शीट हम लोग 250 ग्राम 300 ग्राम इस तरह के बना रहे हैं, हम लोग इस शीट को या तो वन पास में बना सकते हैं. मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ये मल्टीपल शीट लैमिनेट करके हम लोग एक, जैसे हमें एक 300 ग्राम का शीट बनाना है तो एक 200 ग्राम का और 100 ग्राम का शीट लैमिनेट कर दिया और हमने एक 300 ग्राम का शीट बना. पेपर बनाने वाला इस तरह से पेपर बनाता है. और कभी कभी बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहर का सरफेस जो डिस्प्ले होना है या जिस सरफेस पे प्रिंट होना है वो वाइट रखते हैं और अंदर का चीज़ ग्रे रखते हैं, या जो रिसाइकल पल्प यूज़ करके हम लोग ग्रे, तो ग्रे बैकबोर्ड, वाइट बैकबोर्ड, ये सब नाम आते हैं. यूजुअली हम लोग क्या इस तरह, कभी कभी कवर में स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब एडेसिव ने बाइंड किया, बाइंडिंग स्ट्रेंथ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कवर स्प्लिट हो गया. कवर कहाँ से स्प्लिट हो गया, वो जो सैंडविच बना है ना हमने, बहुत सारे दो तीन चीज ज्वाइन करके लैमिनेटेड कवर बना है, वो कवर वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है. नेक्स्ट, तो बेसिकली इसको अवॉइड करने यूजुअली हम लोग एक छोटा सा चीज़ करते हैं, जो हॉट मेल्ट एडेसिव यूं ही उस जो पेपर को हम एज ए कवर यूज़ करने वाले उस पर अप्लाई करके पूरा जब वो सेट हो जाए ठंडा होने के बाद में उसको ऐसे खींच के देखते हैं कैसे निकलता है. वो जब खींच रहा है तो वो पूरे फाइबर के साथ में आना चाहिए. और सेकंड चीज़, आपका पेपर स्प्लिट नहीं होना चाहिए, फाइबर का टियर मिलना चाहिए. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था, राइट, रिंकलिंग. इन दिस केस जैसे देखा मशीन पे अलग रीज़न है, पहले अलग रीज़न है, यहाँ पे रिंकल्स जो मोस्ट कॉमनली रिंकल्स जो आते हैं ना इस तरह के जो हेड पे आते हैं, ये आते हैं हमारा जो बुक ब्लॉक कैसे बना है इसके ऊपर. नेक्स्ट, हम लोग मोस्ट बेसिक कंडीशन क्या है जो हम लोग हमेशा बार बार दोहरा रहे हैं कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, हमारा बुक ब्लॉक स्क्वायर होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, राइट. बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे बुक्स फोल्डेड फॉर्म्स है ना, कोई भी फॉर्म्स जब हमने फोल्ड किए हैं और यहाँ पे अगर आपका फोल्डेड एज है हेड की तरफ, तो हेड यूजुअली थोड़ा सा थिकर आएगा क्योंकि उसमें वो बल्ज होगा फोल्डेड का, राइट. और तो ऐसे बुक्स मोस्टली जब बुक्स थिक होते जाते हैं ना उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट मैग्नीफाई होता है, उतना वो बढ़ते जाता है इफेक्ट. इसे हमें रिमूव करने के लिए हम लोग हेड को परफोरेट करते हैं. हम फोल्डिंग मशीन्स पे सेटिंग होता है जहाँ पे हम लोग जो भी फाइनली ट्रिम होने वाले एजेस है ना उसको हम लोग यहाँ परफोरेशन कर सकते हैं, आगे भी अगर फोल्डर है वहाँ भी परफोरेशन कर सकते हैं. परफोरेशन करने से होता क्या है, एयर रिलीज हो जाता है एंड जब फिर उसको हम प्रेस करते हैं तो सेम लेवल का थिकनेस मिलता है हेड में टेल में, ठीक है. आपका स्क्वायर ब्लॉक हो गया. इसको हम लोग, ये अदर देन रिंकल्स काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट, जब हम क्लैम में फीड करेंगे, अभी क्लैम कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हेड में अलग प्रेशर आएगा टेल में अलग प्रेशर आएगा, एक टाइप का ही, एक ही लेवल पे आप सेट कर सकते हो ना. आपने 40 बोला है तो 40 mm पे ही सेट होगा, इधर भी 40 mm का ही प्रेशर आएगा, उतना ही थिकनेस अज्यूम करेगा इधर भी. उससे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा दाब दे देगा, या तो आपने यहाँ का दाब कम किया तो यहाँ पे लूज़ हो जाएगा. तो ऐसा लूज़ किताब को अगर आप मिलिंग करेंगे वो पूरा उसको खींच के क्रॉस कर देता है. टू अवॉइड दैट, छोटा सा चीज़ होता है, एक छोटा टूल जो फोल्डिंग मशीन पे लगाते हैं जिससे हम लोग ये परफोरेशन क्रिएट कर सकते हैं.
सारा एयर रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट ए स्क्वायर शेप, हेड में जितना टेल में भी उतना. और इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो हम प्रेसिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. जब हम लोग ये परफोरेशन करते हैं तो इसने रास्ता बना दिया हवा निकालने के लिए, परफोरेशन से उतना करता है. उसके बाद हमारा काम है कि उसको उतना प्रेशर में रखना, दाब करके. हम बोलते हैं सिग्नेचर्स फोल्ड करने के बाद दाब करके मशीन दाब देना चाहिए. दाब देने से उसमें का वो हवा निकल जाएगा, फ्लैट इवन हेड टू टेल तक सिग्नेचर्स मिलेगा. नेक्स्ट अगेन दिस वी सॉ जो फाइनली वो जो वहाँ पे मार्क रखते हैं ना गैदरिंग में आके ऐसे बनता है. इम्पॉर्टेंट है गैदरिंग में ही काफ़ी यू नो मोस्टली बुक में एक सिग्नेचर गायब हो गया और हमने बुक को बाइंड कर दिया. उसके बाद वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर मैं ये लेवल पे देखूँ इट्स इजी टू से किसमें कौन सा सिग्नेचर गायब है, किसमें से कौन सा सिग्नेचर डबल है. या फिर यू शुड हैव ए मशीन गैदरिंग. मशीन गैदरिंग में ये सब इंस्पेक्शन होता है, जो वो देख लेगा कर लेगा जो जो चूक सिग्नेचर है उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट भी कर देता है. नेक्स्ट या ठीक है वी हैव आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन इतना ही है मेरे पास कहने के लिए. मेरा कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, अगर कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं. नाउ वी कैन ओपन टू क्वेश्चंस एंड एज ए कंपनी वी हैव बीन डूइंग दिस कंडक्टिंग वर्कशॉप. जो भी एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हमने एक किताब पब्लिश किया है बुक बाइंडिंग के ऊपर. आई थिंक वी हैव गिवन सम कॉपीज प्रीवियसली टू BMPA GIPD. आज भी कुछ कॉपीज है, विल गिव सम कॉपीज इन आवर लाइब्रेरी यहाँ पे SIES की लाइब्रेरी में एंड यू कैन यूज़ इट. अगर आपके पर्सनल कॉपी चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके एंड प्लीज़ नाउ हम क्वेश्चन पूछते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस? हाँ या माइक. हेलो, मेरा नाम विश्वास मयेकर है. जब भी अपन सेक्शन वाइंडिंग करते हैं और स्पाइन अपन को कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए एक्चुअली? सेक्शन माने सिलाई करके. वही कह रहे हैं, सिलाई करके जब बाइंडिंग करते हैं और कटिंग बैक कट करके जो बाइंडिंग करते हैं, बैक कट से ज़्यादा थिकनेस आएगा सिलाई में, बिकॉज एक एक थ्रेड जो बीच बीच में जा रहा है वो थिकनेस में ऐड करेगा. हम कोई गणित करके उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते, कितना भी करें हम थोड़ा आसपास ही आएंगे. वही उसी लिए मैंने कहा कि जब हम चला सकते हैं, जब हम जानते हैं कि मेरा कवर फ्लैट है, कवर में डिज़ाइन सिंपल है, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन से काम चला सकता हूँ. अगर तभी हमने कवर देखना चाहिए. कवर अगर मेरा जैसे मैंने बताया था ना कि फ्रंट एक कलर है, बैक एक दूसरा कलर है, स्पाइन तीसरा कलर है, जहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा कवर एग्जैक्टली मैच हो, एकदम बाल बराबर भी डिफरेंस होगा तो मुझे दिख जाएगा फाइनल जो बुक में. उस केसेस में हमें एक ही चॉइस है कि हमें डमी बना के देखना चाहिए. जो किताब हमें फाइनली बनाना है उसका डमी बनाइए, उसका स्पाइन मेजर करिए और वो डिज़ाइनर को पता. वो जो स्पाइन जो है ना फ्रंट साइड से कट करके चेक करना चाहिए, बैक साइड से? फ्रंट बैक कट करके चेक करिए. ओके थैंक यू. ओके, हेड कट फ्री कर दीजिए उसको तीनों साइड. हेलो सर, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ. प्लीज़. जो आपने जो बताया जो सेक्शन स्विंग के लिए जो जॉब जाता है, अभी समझ लो डमी बनाना है. yes. जो डमी बनाने का सपोज 16 पेज या 32 पेजेस रहता है, सर 32 पेज का 10 सेक्शंस रहता है. लेकिन जो डमी बनाने का वक्त भी 32 एक्चुअली मैनुअल अभी समझ लो डमी बना के देखने हैं, जो डमी बना के देखने का वक्त भी अपने को 32 पेज के हिसाब से करने का एक्चुअली समझ लो कॉन्ट्रैक्टर को देता है. सपोज 16 पेज का बनाएगा, जब इनकेस समझ लो सेक्शन करने के वक्त 32 पेजेस का स्पाइन का डिफरेंस आ सकता है. एग्जैक्टली. जो सेक्शन के लिए चाहते हैं बहुत लोग फिर ऐसे क्या करते हैं, जब 16 पेज का करते हैं तो 16 में 16 इंसर्ट करके फिर डमी बना. बट अगेन अगर हमें परफेक्शन चाहिए तो सिंपल है, जो हम एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल पे प्रोडक्शन में जाएंगे जब वो किताब जाएगी तब जो प्रोसेस यूज होने वाला है सेम स्पेसिफिकेशन में डमी भी बनना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो डमी आया है वो थिकनेस और वो थिकनेस मैच करेगा. थैंक यू.
मागे स्टुडंट्स प्लीज काही डाउट असेल विचारा किंवा काही समजलं नसेल तरी विचारा, काही इनपुट्स असतील तुमचे स्वतःचे प्रश्न असतील ह्याच्याशी नाही रिलेटेड आहे तरी विचारा. दिनेश मी एक प्रश्न विचारतो. सो एक बार एक प्रिंटर के पास गया था तो उन्होंने एक बुक बताया कि इट वॉज अ कैटलॉग और वो कैटलॉग 5 साल से प्रिंट करवा रहे थे. ग्रेन डायरेक्शन गलत था, लाइक आपने जैसे बताया कि ग्रेन डायरेक्शन हैज टू बी पैरेलल टू द स्पाइन, वो परपेंडिकुलर था लेकिन 5 साल से बराबर चल रहा था. एक बार उनको किसी ने बताया कि राइट वे है कि ग्रेन डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए स्पाइन के लिए. तो जब भी उन्होंने वैसे किया तो वो टाइम पे उनका जॉब रिजेक्ट हो गया. कस्टमर ने बताया कि ये अभी मेरा कैटलॉग नहीं लग रहा है, मैगजीन लग रहा है. ओके. क्योंकि स्टिफनेस नहीं था. सो तभी ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आई डोंट नो. अगर उसको रिक्वायरमेंट है सी ग्रेन डायरेक्शन से उसका ओपनेबिलिटी ही इम्प्रूव होता है. ओके. एंड स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है बिकॉज स्पाइन पे उतना कम स्ट्रेस गिर रहा है. ओके. जस्ट टू ओपन द बुक व्हाट वी से इज, अगर हमें सारे ये क्राइम्स जो हम का बार बार कहते हैं नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए और फिर भी कभी कभी क्लाइंट भी उल्टा बोलता है, जैसे क्लासिक केस ये बता रहे हैं, तो एक ही इसका सोल्यूशन है कि मूव टू PUR. अगर हम एक ऐसा एडहेसिव बाइंडिंग यूज़ करते हैं जो इस कुछ भी प्रॉब्लम हो बाइंड कर देगा, इट विल एंश्योर दैट बाइंडिंग विल नॉट फेल. तो फिर वो सॉल्वेंट्स हो, जो हमने बोला ना सॉल्वेंटिंग एडहेसिव में जाके ख़राब हो जाता है, या फिर रॉन्ग ग्रेन पेपर है और हमारा पेज पुल वैल्यूज कम आ रहा है, ये सबको अवॉइड करना है तो ठीक है फिर चलेगा, कोई बात नहीं. ये जैसे चाहते हैं वैसे बनाएंगे, एडहेसिव ये यूज़ करेंगे. या हेलो, सेक्शन स्विंग को अपन जब भी वन पास चलाते हैं कवर के साथ और थोड़ी देर बाद अपन कट करके बाद में जब बुक चेक करते हैं तो उसका स्पाइन जो है बैक से थोड़ा क्रैक हो जाता है, उस किस कारण? कितना लेयर पे चलाते हैं? 0.1 पे. सो आई मीन यूजुअली क्या होता है कि जब हम सेक्शन सिलाई करके किताब चलाते हैं हमारा आइडिया बाइंडिंग पे, मतलब हमारा अजम्पशन ये होता है कि बाइंडिंग तो सिलाई से हो गया, अभी सिर्फ कवर अटैच करना है और मिनिमम एडहेसिव का लेयर पे लगा के अटैच करेंगे. ठीक है, लेकिन मिनिमम लेयर भी जो हमें चाहिए ना, अभी आपका सिलाई का क्वालिटी पे बेसिकली, अब जब हम 0.1 कोई भी लेयर जब चढ़ाना है हमें ये इंश्योर करना है कि उसका सबसे ऊंची जगह और सबसे नीचे जगह भर के लेवल आना चाहिए और 0.1 में वो हो रहा है या नहीं वो देखना चाहिए. मे बी आपका जैसे अभी एडे सिलाई में ऐसा ऐसा सरफेसेस रहेगा, राइट? और जब 0.1 में शायद वो भर के लेवल नहीं हो रहे, हमें फाइनली क्या चाहिए, एक लेवल स्पाइन चाहिए, मे बी एक एम एम एडिशनल लेयर ऑफ एडेसिव से वो रिंकल जाए. वही तरीका है, हमें समझ, आप पूरा स्क्रैप कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं रिवर्स स्पिनर से फाइनली, क्योंकि कवर अटैच हो गया, बस हो गया, दैट इज़ द आइडिया. बट उतना से नहीं होगा, अगर हमें स्पाइन पे फिनिश भी चाहिए तो थोड़ा लेयर चाहिए एडेसिव. जब भी अपन वन पास चलाते हैं और साइड ग्लो बंद करते हैं जब दोनों रिंग और सेकंड पास में अपन कवर फिट करते हैं तो उसके बाद में जो बुक का जो स्पाइन है नीचे के तरफ वो तभी क्रैक नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह भरा हुआ रहता है. वही है, वो भरने का ही चीज़ है. वो आप फर्स्ट पास में, अब दो टू पास में क्यों करते हैं, जैकेट बनाते हैं क्या बैक जो उसका ये है? नहीं, मतलब टू पास में चलाने का रीज़न क्या है? टू पास में चलाने का रीज़न जैसे ये जो बुक अभी सामने जो है उसको कॉर्नर देखो, उसका बैंड हो गया है और फ्लिप पेज दो ऊपर खड़े है तो वो उस वक्त दिखता नहीं. ओके. हॉटमेल दोनों पास में हॉटमेल यूज़ करता है? नहीं, सेम एडेसिव. सेम एडेसिव नहीं, स्पाइन में हेलमेट करते हैं और जो स्पाइन है वो टेक्नोमेल्ट यूज करते हैं. वो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक उसका पर्पस, हम फर्स्ट पास में चलाते हैं स्पाइन में 0.1 mm और साइड में भी एडेसिव लगा के चलाते हैं. पहले पास में जब मशीन चला तब क्या हुआ? पहले पास में चलाते हुए स्पाइन में भी लगाया, साइड में भी लगाया. सेकेंड पास में भी स्पाइन में भी लगाया, साइड में भी लगाया. हम पहले पास में उतना जितना कोट चाहते थे एक साथ में क्यों नहीं लगाया, वो मैं पूछ रहा हूँ.
पहले पास में अपन स्पाइन में लगाते नहीं है। हाँ, वो अगर लगा देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? जितना साइड साइड में नहीं लगा देंगे, स्पाइन में लगा देंगे। हाँ हाँ, और सेकंड में अपन साइड में और स्पाइन में। ओके ओके, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप स्पाइन को हॉलो रखते हैं क्या ऐसा? नहीं, हॉलो नहीं रखते। हाँ, सरफेस एरिया के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, मैं ये बाद में एक्चुअल सैंपल्स के साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से। एक पास में हो जाना चाहिए अगर आपको कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं चाहिए। यूजुअली कुछ कुछ बाइंडिंग स्टाइल्स होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग उसको ओटा बाइंड कहते हैं, या आपको आर्टिफिशियल हार्ड कवर से जैकेट बनाना है बुक के ऊपर, उस केसेस में हम लोग ये टू पास वगैरह बाइंडिंग करते हैं। अदरवाइज आपको सिंगल शॉट बाइंडिंग चाहिए, जितना लेयर चाहिए एक पास में आ जाएगा, एडहेसिव का टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें सेट करके। अभी तो हमारे पास सैंपल नहीं है, सैंपल ठीक है, लेकिन देखते हैं, हमें बात वापस थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, और कोई सवाल? तिकडे कोणाल तरी आहे, एक हात वर घे। हॅलो सर, या ये जो ग्लू आपण जो वापरते जो हॉट मेल्ट, तो उसका कुछ इफेक्ट कवर पेज को नहीं होता है? कवर पेज को, क्योंकि वो हीट रहता है ना, तो उसका कुछ इफेक्ट कवर पेज को? कवर पेज को इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। यूजुअली अगर क्या बोलते हैं, पेपर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तब हम कभी कभी देखते हैं, जब जैसे ही एडहेसिव कॉन्टैक्ट में आता है वो मॉइस्चर इवेपरेट हो जाता है और हमको ऐसे वेवी एजेस दिखते हैं बुक के स्पाइन की तरफ। अदरवाइज जैसे जैसे मैंने बोला, ये हॉट मेल्ट एडेसिव प्योरली सरफेस बॉन्डिंग है, एडेसिव के अंदर पेनेट्रेट नहीं करता। तो और बिटवीन 160 से 0 आने तक वो 40 सेकेंड्स में आ जाता है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। जस्ट इफेक्ट इस तरह से होगा कि पेपर का मॉइस्चर कंटेंट अनइवन था या उसने चेंज कर दिया, और उस हालत में अगर उसने बॉन्ड क्रिएट किया तब वो उसी स्टेट में रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पेपर में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सर एक्चुअली वो कवर पेज को लैमिनेशन भी रहते हैं ना? नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। okay. तो मैंने बोला कि स्पाइन एरिया अगर आउटमेल्ट से हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे एडेसिव और कवर कॉन्टैक्ट आने वाला है वहाँ पे लैमिनेशन, प्रिंट, वॉर्निश, लैकर नहीं होना चाहिए उस एरिया में। ओके, थैंक यू। ओके, अदरवाइज वो बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। जो एडेसिव जिसको उसको जो पहला सरफेस मिलता है ना, उसके साथ में वो बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर लैमिनेट के साथ में बाइंडिंग किया है तो उस लैमिनेट के साथ में बाइंडिंग हो जाएगा, कवर अलग रह जाएगा, वो लैमिनेट के अंदर से जाके कवर तक नहीं पहुंच सकता। ओके, हेलो सर, किधर से? हाँ, पेपर का जीएसएम अलग होगा? हाँ, डिफरेंट टाइप का पेपर, 100 जीएसएम और कार्ड बीच में रहेगा। ओके, तो बाइंडिंग कैसे करनी है बीच हर जैसे या और इन एडिशन और कुछ है? अलग अलग जगह पे रहेगा सर प्रिंटर का। ठीक है, इसको हम लोग ऑड सिग्नेचर्स बोलते हैं। ऑड सिग्नेचर्स को कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में, तो जैसे हमने बोला प्लेट्स है, जैसे इसको हम लोग आठ प्लेट्स बोलते हैं, राइट? आठ प्लेट हमें बीच बीच में रखना है, तो कैसे बाइंडिंग करना है आप जो कह रहे हैं वो टू, इसको हम लोग अगर सिग्नेचर में डिफाइन किया, टू पेज का सिग्नेचर हो गया, राइट? एक लीफ है, टू पेजेस, जिसको हमें प्लेस करना है बीच बीच में। जब ऐसे एक सिग्नेचर है और बाकी सारे फोल्डेड फॉर्म्स हैं, तो आपके बुक में सबसे वीक पॉइंट वो सिग्नेचर होता था, वो अकेला जो एक लीफ है जो अपने आप में खड़ा है, उसको अटैच करने का सही तरीका है उसको टिपिंग करना। तो समझो आपके बुक में 16 पेज सिग्नेचर्स है और बीच बीच में आपको 8 प्लेट्स इंसर्ट करने हैं, तो वो प्लेट किसी एक दूसरे 16 पेज के सिग्नेचर को टिप करना है। इसी तरह से कभी कभी हमारे पास ना, जैसे सिंगल पेज बोला आपने, कभी कभी 4 पेज सिग्नेचर्स आते हैं। 4 पेज सिग्नेचर मतलब एक फोल्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने 200 पेज का बुक बनाना है, 16 पेज सिग्नेचर्स क्रिएट किए हैं, आपके 196 पेजेस आ जाएंगे 16 पेजेस में, बट लास्ट का 4 पेज अलग से रह जाएगा। ऐसे 4 पेज को भी ट्रीटमेंट सही दे नहीं देंगे तो वहाँ से बुक फेल हो जाता है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली एक 16 पेज के अंदर इंसर्ट करते हैं। ओके,
ताकि वो 16 पेज का सिग्नेचर उसको प्रोटेक्ट करे, या तो फिर रैप अराउंड करे, मतलब एक 16 पेज सिग्नेचर के ऊपर एक 4 पेज का सिग्नेचर रैप कर दो, मतलब उसका बल्क बढ़ाओ उसको, तो वो स्टैंड अलोन वो रहेगा ना. और यूजुअली हमारा आदत होता है कि हम प्लानिंग में उसको हमेशा लास्ट में रखते हैं, उसको कहीं तो बीच में रखना चाहिए. ओके यस माइक माइक हेलो. कितना जीएसएम तक हम लोग परफेक्ट बाइंडिंग के लिए जा सकते हैं सर? हम लोग जो रेगुलर ईवा हॉटमेल्ट्स का केमिस्ट्री में बाइंडिंग कर रहे हैं, तब हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि 130 जीएसएम तक हम हॉटमेल्ट बाइंडिंग कर सकते हैं, गिवन दैट ऑल द कंडीशंस जो भी हम बोलते हैं वो सही मेंटेन रखा है. ओके व्हेन आजकल जो पीयूआर बाइंडिंग होते हैं वहाँ पे जीएसएम का कोई इस तरह से ताल्लुकात नहीं है. यू कैन बाइंड ऑलमोस्ट एनी सबस्ट्रेट, नॉट वो पेपर होना भी है ऐसा ज़रूरी नहीं है, फॉइल प्लास्टिक्स एनीथिंग यू कैन बाइंड. अभी जो सिक्स क्लैंप आपने जो वेलबॉन्ड का मशीन्स दिखा है जी, इसमें जो अभी समझ लो एडहेसिव हॉटमेल्ट एडहेसिव डालते हैं, इसमें हाँ. जो पीयूआर डाल सकते हैं? नहीं नहीं. उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है अभी पीयूआर केमिस्ट्री इज डिफरेंट. जो हम लोग अभी तक जब हम हॉटमेल्ट बात कर रहे हैं, ये हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल हॉटमेल्ट. रिवर्सिबल माने उसको आप मेल्ट करो मेल्ट हो जाता है, राइट. आज रात को मशीन बंद करके ठंडा हो जाएगा, कल सुबह आके वापस शुरू करो फिर से मशीन शुरू होगा फिर मेल्ट हो जाएगा. वेर एज पी यू आर हॉटमेल्ट्स, पी यू आर नाम क्या है, पॉली यूरेथिन रिएक्टिव, इन द सेंस ये हॉटमेल्ट्स रिएक्टिव हॉटमेल्ट्स है. मतलब वो जब द मोमेंट मैं उसको ओपन करके पॉट में डालता हूँ उन लोग का रिएक्शन शुरू हो जाता है. वो इतना अच्छा बॉन्ड क्यों देता है? क्योंकि उसका वो एक बार वो रिएक्शन होके बाइंडिंग हो गया फिर वो वापस नहीं आता, वो बाइंडिंग पक्का हो जाएगा कभी टूटेगा नहीं. वेर एज जो हम लोग हॉटमेल्ट एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं इसको थोड़ा सा हीट दे दो फिर से बाइंडिंग वीक हो जाएगा. ओके इसीलिए हम लोग नॉर्मल एडहेसिव में हमें ये भी देखना होता है कि फाइनल एंड यूज़ कहाँ पर है. अगर मैं बाइंडिंग यहाँ इंडिया में करके फाइनली उसको अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ तो मे बी ये जो एडहेसिव मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद वहाँ पर फेल हो जाए बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है. या मोस्टली जहाँ हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन देख दिल्ली में वगैरह समर्स के टाइम पे 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है. व्हेन आपका वातावरण में अगर 48-49 डिग्रीज है विच मीन्स आपका अगर जो अपना टेम्पो में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या वेयरहाउस में जहाँ बुक्स रखा है वहाँ 60-65 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर. ऐसे टेम्परेचर में एडहेसिव सॉफ्ट हो जाता है और फेल हो सकता है. ये सब चीज़ें के लिए जो सोल्यूशन हमने देखा है कि ठीक है व्हाट इससे स्ट्रॉन्गर केमिस्ट्री क्या है, तो हम पीयूआर की तरफ गए. तो पीयूआर में जब हमने बाइंडिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव किया तो उसका पॉट लाइफ ना उसका पॉट लाइफ उतना ही बिगड़ गया. तो एडहेसिव पॉट में उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है. उसका मतलब हमें अगर ये एडहेसिव यूज़ करना है तो यू नीड ए क्लोज सिस्टम. हम ओपन टैंक में उसका काम नहीं कर सकते. तो पीयूआर एप्लीकेशन सिस्टम जो होते हैं योर एडहेसिव इज इन अ टैंक क्लोज सिलेंडर जहाँ से पंप होके एडहेसिव थ्रू अ नॉजल बुक को अप्लाई होता है. और एंड टू एंड एडहेसिव कहीं भी एक्सपोज नहीं होता है एनवायरमेंट को. अब प्योर एडहेसिव इज लाइक टू कंपोनेंट एडहेसिव, मतलब टू कंपोनेंट जानते हैं आप, जैसे हम हमारा एम सील या एरल्डाइट होता है, दो चीज़ आते हैं राइट. आपने कभी एक एम सील का पैकेट खोला है होगा तो दो पैकेट्स आते हैं उसमें. जब तक वो दो अलग अलग रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी एक साल तक रखो वो एडहेसिव फिर भी काम करेगा. मोमेंट आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो उसको तुरंत 5 मिनट के अंदर आपने उसको लगाना है. नहीं लगाया तो उसका क्या हो जाता है और उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते हम. प्यूर एग्जैक्टली सेम बिहेव करता है. उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो मॉइस्चर है. वो एटमॉस्फेयर में पेपर में जो भी उसको मॉइस्चर मिलता है उसको लेके रिएक्शन होके बॉन्ड फॉर्म करता है. जितना जब तक वो मॉइस्चर से अलग है कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मोमेंट आपने खोल के पॉट में डाल दिया हीट किया और एप्लीकेशन शुरू किया वो उसका मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन चालू है राइट. तो व्हेन यू आर अब जब सिलेंडर में होज के थ्रू नॉजल के थ्रू पंप कर रहे हो जो आपका एडहेसिव जो अप्लाई नहीं किया है उसको आप वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर रहे हो. जो अप्लाई कर दिया वो उसके मॉइस्चर से रिएक्शन होके क्योर हो जाता है. तो पीयूआर में बाइंडिंग प्योरली ठंडा होने से नहीं होता है, एक रिएक्शन भी चल रहा है. इसीलिए पीयूआर में नॉर्मली थोड़ा सा क्यूरिंग टाइम ज़्यादा है. हम लोग जैसे मैंने बता रहा था कि इमिडिएटली कट नहीं कर सकते. अगर इनलाइन कट कर रहे हैं ये हम 40 सेकंड में कट करते हैं तो उसको थोड़ा लॉन्गर कन्वेयर टाइम चाहिए, लॉन्गर ट्रैवल चाहिए.
या ऑफलाइन कट करे तो थोड़ा 4-5 घंटा रख के फिर कट करो, ये सब चीज़ें. बट द बाइंडिंग दैट यू गेट इज़ वेरी वेरी सुपीरियर. जिसको कोई भी मैकेनिकली उसका कोई भी फेलियर नहीं है उस, वो ना एक बार वो क्योर होने के बाद में ना किसी केमिकल से रिएक्ट करता है, ना किसी टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, कुछ नहीं होता. बट विच मीन्स जब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सबसे उसको दूर रखना है, नहीं तो वहीं वो सॉलिड हो जाएगा. मतलब टू जस्ट कम बैक, अगर मैंने मेरे सिस्टम मशीन में वो प्यूर एडहेसिव डाल दिया और 4 घंटे छोड़ दिया, मुझे पूरा टैंक फेंकना पड़ जाएगा, वो टैंक में से भी निकलेगा नहीं वाले से. सेम एज वॉट योर एमसील का, वो कहीं भी चिपक जाता है वहीं पत्थर हो जाता है वैसे. बट रेगुलर हॉटमेल के जो भी डिसएडवांटेजेस है सारे मैं ओवरकम कर सकता हूँ अगर मैं प्यूर अप्लाई करूँ. ग्लू का ड्राइंग टाइम कम या ज़्यादा करने का रहेगा सर? हाँ, तो ग्लू के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके मैनेज कर सकते हैं? ग्लू का ड्राइंग टाइम हाँ, या ज़्यादा या सपोज कम भी करना रहेगा. देखिए, एक तो टेम्परेचर सजेस्ट किया हुआ है, अगर हमें एक टेम्परेचर 160 पे चलाना है तो उसको 160 पे ही चलाना है. तो द विंडो, जो विंडो हम आप जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो उसका एक विंडो होता है. जैसे अभी 160 पे ऑपरेट होने वाला टेम्परेचर 180 या 160, इसके बीच में हम खेल सकते हैं. तो अगर आपको ड्राइंग टाइम कम करना है तो उसको 170-175 पे ले जाओ ड्राइंग टाइम. जल्दी ड्राई करना है तो 160 पे ऑपरेट करो. ओके, ये सब निर्भर, ये जो विंडो मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है ना, ये इसलिए दिया होता है कि हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है ना. गर्मी के मौसम में आप जो शॉप फ्लोर पे बाइंडिंग कर रहे होगे, आपका आजू बाजू का टेम्परेचर आज जैसे 35 डिग्रीज है, कुछ दिन पहले 25 डिग्रीज था, 10 डिग्री का अंतर आपका एनवायरनमेंट में आ गया, वो उससे भी अपना ड्राइंग टाइम इफेक्ट करता है. ठीक है, तो सिर्फ उससे करने से तो नहीं होगा ना, ये सब चीज़ें भी जो आपको एक 15-20 डिग्री का विंडो मैन्युफैक्चरर देता है वो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए होता है. तो मे बी हम लोग अगर विंटर्स में बाइंडिंग कर रहे हैं तो, और हमें ड्राइंग स्लो करना है तो हम उसको थोड़ा 180 पे 175 पे चलाएंगे. समर्स में बाइंडिंग करना है तो 160 पे चलाएंगे, उतना उस रेंज में, उससे ज़्यादा नहीं. उससे नीचे ले आऊँगा तो मेरा एडहेसिव प्रॉपर विस्कोसिटी में मेल्ट नहीं होगा, जो मुझे लेयर चाहिए वो लेयर में फ्लो नहीं मिलेगा मुझे. ओके ओके, ओके. सो डू यू वॉन्ट टू शेयर सम सैम्पल्स? या आई मीन इधर यहाँ पर कुछ बहुत सारे चीज़ डिस्कस तो किया है. बेसिकली रॉ वेस्ट सैम्पल्स है, यू कैन कीप इट, यहाँ रख सकते हैं. सेमी प्रोसेस बुक, तो हम जो भी टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं ना, उसको क्या स्टेज पे क्या होता है, कैसे दिखता है, लेयर क्या होता है, साइड लू का लेयर कैसे दिखता है, एंड कुछ मेजर करके देखना चाहते तो यू कैन हैव ए लुक एट इट. ठीक है, ओके. सो थैंक यू दिनेश, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, एंड यू कैन हैव अ लुक एट द सैम्पल्स एंड हैव अ चैट विद दिनेश ऑफलाइन. क्वेश्चंस? हां, ठीक है. And I would also like to announce that the next Seekho or Samjho session is at SIES, and the topic is papers and paperboard, which will be the session would be delivered by experts from ITC. Thank you.